तो आज मैं आपके साथ घर पर ही एकदम ताज़ा ठंडाई सिरप तैयार करने की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इस सिरप को बनाकर कम से कम एक महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। आपका जब भी मन करे तो आप इसे तुरंत ही ठंडाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर अचानक से आपके घर पर कोई भी गेस्ट आ जाता है तो आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोनिका त्यागी, आप सभी का स्वागत है मोनिकाज किचन में। चलिए शुरू करते हैं ठंडाई सिरप बनाना। ठंडाई सिरप बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से बाउल के अंदर हम डाल देंगे 15 ग्राम बादाम। अगर आप इसे वजन से लेंगे तो 15 ग्राम है और काउंटिंग में लेंगे तो भी ये 15 बादाम हैं। 12 मैंने यहाँ पर काजू लिए हैं, ग्राम्स में ये 15 ग्राम हैं। और 15 ग्राम ही मैंने यहाँ पर ये पिस्ता लिया है, 15 ग्राम मगज़ यानी खरबूजे के बीज, 10 ग्राम खसखस। खसखस आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगा, आप इसको खसखस भी बोल सकते हैं या फिर पोस्ता दाना भी बोल सकते हैं। 1.5 बड़ा चम्मच सौंफ, सौंफ को अगर ग्राम्स में लेंगे तो 7 से 8 ग्राम ये सौंफ है। मैंने सभी चीज़ों को किचन स्केल पर तोल कर लिया है। 1 छोटा चम्मच काली मिर्ची, तो काली मिर्ची को अगर आप ग्राम्स में लेंगे तो 4 से 5 ग्राम ये काली मिर्ची है। 7 से 8 हरी इलायची डाल देंगे। और अब मैं इसके लिए यहाँ पर ये ताज़ा गुलाब की पत्तियाँ इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो सूखी पत्तियाँ भी ले सकती हूँ। 2 बड़े चम्मच ये गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, अगर आप इसे ग्राम्स में लेंगे तो ये 5 ग्राम गुलाब की पत्तियाँ हैं। वज़न में ये बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी बजाय गुलकंद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सभी को हम पानी डालकर अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इसके ऊपर कोई भी डस्ट लगा हुआ है तो इससे अलग हो जाए। पहले आप इसको अच्छी तरह से धो लें, उसके बाद में आप इसको छलनी से छान लीजिए। मेरे पास जो छलनी है ये थोड़ी मोटे वाली है, आप चाहें तो बारीक वाली छलनी इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि जो पोस्ता दाना है वो नीचे नहीं निकलेगा। तो मैं बाद में इस पोस्ता दानों को धोकर इसके अंदर ही डाल दूंगी, क्योंकि इसके अंदर हमें पानी ऐड करना है यहाँ पर, और इसे रात भर के लिए हमें भिगोकर रखना होता है। तो मैं इसे यहाँ पर रात भर के लिए भिगोकर रख रही हूँ, और 250 ml से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसके अंदर यहाँ पर पानी डाल दिया है। अब इसके साथ ही हम इसके अंदर यहाँ पर 2 पिंच केसर डाल देंगे। बादाम ठंडाई बने और उसके अंदर केसर ना डाले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने यहाँ पर ये केसर डाल दिया इसके अंदर, इससे इसका कलर भी अच्छा आता है, साथ ही इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। हमने यहाँ पर ये सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले धो लिया है, उसके बाद में हमने इसके अंदर पानी ऐड किया है। तो जो बाद में हमने इसके अंदर पानी ऐड किया है, इस पानी को हमें फेंकना नहीं है। जैसे ही हम सिरप बनाकर तैयार करेंगे तो इस पानी का इस्तेमाल हम सिरप बनाने के लिए कर लेंगे। तो इसे हम कवर कर देंगे, और इसे कवर करके हम इसे रात भर के लिए छोड़ देंगे। पूरी रात भर इसको भिगोने के बाद में ये अच्छे से फूलकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसे गर्म पानी के अंदर 4 घंटे के लिए भी भिगोकर रख सकते हैं, लेकिन इससे इसकी तासीर जो है वो गर्म रहेगी। अब केसर ने अपना कलर अच्छी तरह से छोड़ दिया है, तो यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडर जार ले लिया है। जार के अंदर हम इस सभी सामग्री को डालकर अच्छे से पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। साथ में हम इसके अंदर थोड़ा पानी भी ऐड कर देंगे। जितनी ज़रूरत लगे तो आप इसके अंदर पानी डाल लीजिए, और आप इसका एकदम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर हमारा ये फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो गया है, और मुझे जितनी ज़रूरत लगी तो मैंने यहाँ पर ये पानी इसके अंदर डाल लिया था। अभी भी हमारा कुछ पानी बचा हुआ है तो उसे हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। अब इस पेस्ट को हम अच्छे से छान लेंगे। यहाँ पर हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह से छान लेंगे, क्योंकि जो इसके अंदर सौंफ वगैरह हमने ऐड किए तो उसके जो तिनके होते हैं ना, वो फिर मुँह के अंदर आते हैं, वो टेस्ट को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। इस तरीके से छान कर जो छलनी के ऊपर बचता है तो इसे हम एक अलग बाउल के अंदर इकट्ठा कर लेंगे, और बाकी पेस्ट को भी इसी तरीके से छान कर तैयार कर लेंगे। मिक्सी जार को भी हम अच्छी तरह से धोकर इसके अंदर डाल देंगे, और इसे छान कर तैयार कर लेंगे। अब जो इसके ऊपर ये मोटा बचा हुआ है तो इसके अंदर थोड़ा पानी डालकर वो इसको दोबारा से ग्राइंड करके अच्छे से छान लेंगे। और अब इसके ऊपर से जो बचा है ये बिल्कुल बेकार है, इसे हमें इसके अंदर नहीं डालना है। इसे या तो आप फेंक दें, या फिर आप इससे मीठा पराठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अब इसके अंदर हम यहाँ पर चीनी ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर टोटल ऐड करने वाली हूँ 275 ग्राम चीनी। ये एकदम परफेक्ट मिठास इसके अंदर लाएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं होगी और बहुत कम भी नहीं होगी। कप से अगर आप इसे लेते हैं तो 1.25 कप ये चीनी है। अब चीनी डालने के बाद में हमें इसे अच्छे से पका लेना है, तो गैस ऑन करके मैंने इसे पकने के लिए रख दिया है। हम इसको एक दो बार बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसके अंदर अच्छे से उबाल आने देंगे। जैसी चीनी इसके अंदर अच्छे से घुलेगी तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा,
लेकिन उसके बाद में जैसे ही हम इसको पकाएंगे अच्छे से तो फिर से हमारा ये पेस्ट अच्छे से थिक हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर उबाल आ चुका है, तो गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पर कर लिया है। गैस फ्लेम को या तो मीडियम पर रखें या फिर मीडियम लो के बीच में रखें। तेज़ आंच पर आप इसे पकाकर एकदम थिक करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जैसे ही धीमी धीमी आंच पर पकेगा तो ये अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाएगा। उसके बाद में आप इसे एक महीने तक भी स्टोर करके आराम से रख सकते हो। आगे गर्मी आने वाली है, बहुत चिलचिलाती गर्मी आती है, बच्चे स्कूल से आते हैं, आप ये ठंडा ठंडा शरबत बनाकर बच्चों को दीजिए तो बच्चे खुश हो जाएंगे और उन्हें बहुत ही रिलैक्स फील होगा और इसे पीने से बच्चों को एनर्जी भी मिलेगी। तो बाहर से कोई भी चीज़ खरीद कर अपने बच्चों को खिलाने की बजाय अगर आप अपने हाथों से बनाकर खिलाते हैं तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होती है, क्योंकि इसके अंदर आपका प्यार भी छिपा है। इसे और भी ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करने के लिए इसके अंदर एक पाउडर ऐड किया जाता है जिसे कि हम लोग प्रिजर्वेटिव बोलते हैं, तो उसे हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो बच्चों की हेल्थ के लिए या बड़ों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पर मैंने इसको 8 से 10 मिनट के लिए पका लिया और हमारा सिरप काफ़ी थिक हो चुका है, तो गैस को बंद कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब ठंडा होने के बाद में मैं इसके अंदर यहाँ पर ये एक छोटा चम्मच केवरा एसेंस डाल रही हूँ, जो कि डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे इसका जो टेस्ट और फ्लेवर है वो बिल्कुल मार्केट वाला आता है। इसके अंदर जो खुशबू आएगी ना, फिर आप देखिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसको मार्केट से लिया है या फिर आपने इसको घर पर अपने हाथों से बनाकर तैयार किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर इसको सर्व करने के लिए मैं इसको 2 ग्लास में डाल रही हूँ। तो एक बड़ा चम्मच आप इसको डाल दें या फिर अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। 1 ग्लास के अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा ठंडा पानी, इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दूसरे ग्लास के अंदर थोड़ा ठंडा दूध डालकर मिक्स कीजिए, तो आपके 2 तरह के शरबत बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर आपके घर पर तुरंत से कोई भी गेस्ट आ जाता है या फिर होली पर भी आप इस रेसिपी को एक बार मेरे कहने पर प्लीज़ ट्राई करके देखिए। आपको आपके बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, बहुत हेल्दी रेसिपी है। और आप इस सिरप को बनाने के बाद में बिल्कुल अच्छे से ठंडा कीजिए, किसी भी एयरटाइट कंटेनर के अंदर स्टोर कीजिए और आप इसे फ्रीज के अंदर रखकर करीब 1 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन को ज़रूर दबाइए। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।